तेरी भाभी ये पगले एक फिल्म है जिसके अंदर एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म का मैं हीरो हूँ। ये डायरेक्टर हैं रजनीश जी, आप देख रहे होंगे, और ये हीरोइन है नाजिया, ये फाइनेंसर हैं फिल्म के जो डॉन हैं, और ये सब लोग मिलके एक लड़की के पीछे पड़े हैं और सब एक दूसरे को मन ही मन में कह रहे हैं कि ये तेरी भाभी है, वो तेरी भाभी। और वो सिचुएशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लड़की बचा रही है अपने आप को, उस पर पूरी सिचुएशनल कॉमेडी है। प्रोमोज़ हमारे आउट हुए हैं काफ़ी टाइम पहले, महीना भर हो गया, और अच्छे लाइक्स आ गए हैं, काफ़ी 2-3 मिलियन हो गए हैं हमारे लाइक्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों ने पसंद भी किया है, लोगों ने मुझे कहा भी है कि एंटरटेनिंग लग रहा है, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग लग जाए और लोग देखें थिएटर में आके ये फिल्म। मेरे लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट है ये, तो परफेक्ट स्क्रिप्ट ही, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने बोला यार ये रोल मेरे लिए एप्ट है, मेरे ऊपर पूरा बैठता है, तो इसलिए मैं और एक्साइटेड भी था। और मेरे लिए मैंने ऐसा नहीं कि कोई वर्कशॉप करते हैं ना एक्टर लोग, ऐसा कुछ नहीं किया ये मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, लेकिन एक अपने अंदर है वो डांस मस्ती, वो चीज़ें जो जो मैं स्टेज पे करता हूँ, वही सब फिल्म के अंदर किए मैंने। तो जॉनर की बात करी जाए, टीवी भी करते हैं अपना, स्टैंडिंग कॉमेडी भी करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है इन एज इन एक मूवी में एज एक्टर आना? देखिए, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो चाहे आप टीवी करें, थिएटर करें, फिल्म करें, तो आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर शो में मेहनत करूँ, हर फिल्म में मेहनत करूँ। फिल्म हमारे लिए मज़ा बड़ा आता है हमको करने के लिए, थोड़ी थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है क्योंकि हमें आदत है फटफट फटफट सारी चीज़ें करने की। फिल्मों में थोड़ा रुक रुक के काम होता है, तो जब बहुत खिंच जाता है तो मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे आदत होती है कि मैं सुबह आऊँ, फटाफट सारे सीन ख़त्म कर दूँ। माहौल क्या था सेट्स का, क्योंकि मल्टीस्टारर फिल्म है, तो क्या माहौल था सेट पे? बड़ा इन्जॉय करते थे सब लोग एक दूसरे के, सबको दोस्ती प्यार था, साथ में बैठ के गोवा में बड़े इन्जॉय किया हम लोगों ने, खाना पीना घूमना, और सबके साथ दोस्ती भी थी, तो एक वो हंसते खेलते पिकनिक टाइप में पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई। सो इन कॉलेज कभी आपको, कभी आपने किसी को कहा है तेरी भाभी पगले? या मुझे भी, मैंने भी कहा है बहुतों को, लोगों ने भी मुझे बहुत कहा है। मेरा तो एक अफेयर भी हो गया था, जो बाद में पता चला मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, वो तो भाभी थी वो मेरी, तरफ मैंने फिर मैंने बोला यार गलत कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने कहा भाभी है पगले तेरी, और मैंने भी लोगों को। ट्रेलर के स्टार्ट में आपने गोविंदा जी का डायलॉग किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? अरे उनका तो डायलॉग फेमस है, वो दीवाना मस्ताना में उन्होंने कहा था, तो ऐसी सेट पे मैंने बोला मैं उनका डायलॉग बोल देता हूँ, ये जो मैं शो पे बोलता हूँ, तो डायरेक्टर ने बोला नहीं यार तुमने ये डायलॉग बोल बोल के घसा दिया है 10 साल, बहुत बोला। तो मैंने सोचा मैं फिर क्या करूँ यार, अपना बोलूँ, तो उन्होंने बोला यही तुम बोल दो डायलॉग, घटा सावन की घटा, फिर बाद में बोल देना कि आगे का डायलॉग क्या था, हाँ चल मैं अपना डायलॉग बोलता हूँ। सो गोविंदा सर से क्या कुछ फीडबैक मिला, क्या कुछ सपोर्ट मिला इस रोल के लिए? रोल के लिए तो कोई ऐसा कुछ फीडबैक नहीं था, लेकिन उनको बड़ी खुशी हुई होगी, और अभी भी प्रोमो देख रहे हैं तो ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी मी। अपने बच्चे लोग, घर का हूँ मैं उनके, तो देख के उनको डेफिनेटली खुशी होती होगी, ही इज़ प्राउड कि मैं खुद अपनी फिल्में कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, वो नाराज़गी देखो परिवार में होती है, सबको हो जाते हैं, आप आपके डैडी भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, मम्मी का भी झगड़ा हो जाता है, तो वो ठीक है, वो हमारे से बड़े हैं, हम उनको इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो हमें गालियाँ देंगे, 4 थप्पड़ मारेंगे, और हम तो बच्चे हैं, हम तो सहेंगे, और हमारी तो मतलब मुँह से ऊ भी नहीं निकलेगी, और फिर हम सॉरी बोलेंगे उनको और सब सॉल्व हो जाएगा। तो एक फैमिली है, सब जगह प्रॉब्लम आती हैं, सब एक हो जाते हैं बाद में। तो कृष्णा इंटर का बायोपिक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जैसा ही देखा जाए हर साल तो एक दो बायोपिक आ रही है, तो क्या विचार है आपके गोविंदा सर को? अगर उनकी बायोपिक आएगी तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा उनको इम्पर्सनेट करने के लिए, चाहे कोई भी एक्टर हो। आप फिर पिक्चर बेचने के लिए बड़ा एक्टर ले लें, लेकिन आई थिंक मैं परफेक्ट रहूँगा उस रोल के लिए। संजू के बारे में क्या? संजू तो बहुत लोगों को टच की है, संजय दत्त साहब सर के मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दुनिया फ़ैन है, तो सब देखने जा रहे हैं। रणबीर कपूर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई थिंक रणबीर कपूर इस साल के सारे अवार्ड्स लेके जाएंगे, इज़ ब्रिलियंट, एंड उनसे वो बहुत कमाल करते हैं। सो कृष्णा, आप जब एक्टिंग करते थे, जॉनर की बात करें तो कभी कॉमेडी से हटके कुछ करने का आपका कुछ विचार होता है? हाँ, मेरा मन करता है मैं कुछ थ्रिलर फिल्में करूँ, थ्रिलर हॉरर मेरे को बड़ा पसंद है, तो मैं कुछ ऐसा अलग तब करना चाहूँगा। अभी तो इस तरीके का कुछ मुझे कोई ऑफर करता नहीं है, तो लेकिन थोड़े आने वाले, अभी ऐसा भी नहीं कि बहुत उम्र होती जा रही, ठीक है अभी उम्र भी है, टाइम भी है अपने पास, तो हम कर सकते हैं आगे चल के। आप एज ए रीडर तो कोई
प्रेशर में, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर है। पहले पोस्टर में नहीं होता था मैं फिल्मों में, अभी पोस्टर पर डाल दिया है तो अभी डर लगता है कि जितना कलेक्शन आएगा हमारे चेहरे पर आएगा। हाँ हाँ डेफिनेटली प्रेशर है। दलजीत भी बड़े पॉपुलर हो गए हैं और सुरमा फिल्म भी अच्छी लग रही है, बायोपिक है, तो मुझे लगता है कि भगवान करे सुरमा भी चले, दलजीत के भी फैन फॉलोइंग है, वो भी फिल्म हिट हो और उसकी टिकट ना मिले और लोग हमारे लोग थिएटर में घुस जाएं हमें देखने के। कुछ नहीं, 13 जुलाई को ये फिल्म आ रही है तेरी भाभी है पगले, बड़ा आपको 2 घंटे का प्योर एंटरटेनमेंट मिलेगा, जाइए थिएटर में गर्लफ्रेंड के साथ, भाभी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, फैमिली एंटरटेनर है और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।